गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज जो वीडियो मैं करने वाली हूँ ये एक्चुअली हिस्ट्री दोहराई जा रही है, बिकॉज इस तरीके का एक वीडियो मैं पास में कर चुकी हूँ और आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था, जिसमें मैंने बात करी थी मेरे नॉट सो फेवरेट प्रोडक्ट्स स्लैश प्रोडक्ट्स जिन्होंने मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। नाउ इन द प्रोसेस ऑफ रिकमेंडिंग यू समथिंग, चाहे वो हेयर केयर हो, स्किन केयर हो या फिर कोई फेस वॉश, कोई फेस क्रीम हो, समटाइम्स कुछ चीज़ें हमारे लिए काम करती हैं, सो वी शेयर दैट। कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल काम नहीं करती, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या प्रोडक्ट्स काम करते हैं, दैट इज़ ओके ओके, बट क्या प्रोडक्ट्स काम नहीं करते हैं, बिकॉज हम जनरली उसके बारे में बात नहीं करते। डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसने बिल्कुल काम नहीं किया ना, रिग्रेट। आई बिलीव इन डबल क्लेंजिंग, जिसमें पहले स्टेप में होता है आप अपना मेकअप रिमूव करते हो एंड सेकंड स्टेप में आप फेस वॉश से मेकअप का भी जो रेजिड्यू होता है उसको क्लीन करते हो। एंड फॉर दैट मैंने ट्राई किया था, मैंने एक्चुअली मेरे हार्ड अर्न मनी से इसको लिया था एंड दिस इज़ ये महारथी है डॉटन की मेकअप क्लेंजिंग बाम। आई कैन नॉट टेल यू, ये आपकी स्किन पर ऐसा तेली बना देता है ना आपकी स्किन को, जैसे यू हैव बिकम अ ऑयल फैक्ट्री। अब ये टब खत्म लग रहा होगा तो आप भी सोचोगे अरे भाई कैसे झूठ बोल रहे हैं, खत्म कैसे? टू क्लीन स्वॉचेस तो उसके लिए यूज़ कर लिया, या फिर नेक वगैरह पे जो भी मेकअप होता है उसके लिए यूज़ कर देती हूँ, बट आई डू नॉट जस्ट लाइक यूजिंग दिस ऑन माई फेस, दैट्स इट। सो दिस गोज ऑन दिस लिस्ट। सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बट देर इज जस्ट वन प्रोडक्ट विच काइंड ऑफ अमेज यू, मतलब ऐसे हिला देता है, एंड इट हैज़ टू बी दिस, जो कि है फॉक्सटेल का कवर अप ड्यूई सनस्क्रीन, विच इज SPF 50 प्लस PA 4x+ जैसा प्रोटेक्शन, स्किन पे इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ना फॉर्मुलेशन, आई लव इट। एंड मेकअप के लिए यू गेट दैट ग्लोई बेस। पहले हम ये सोचते थे कि यार सिर्फ सनलाइट से स्किन डैमेज होती है, बट कंसिडरिंग द अमाउंट कि कितना टाइम हम यू नो स्क्रीन के आगे स्पेंड करते हैं, दैट टू इज़ वेरी डेंजरस। तो उस केस में ये UVA UVB के साथ साथ ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है एंड ऑल्सो अगेंस्ट एनवायरमेंटल डैमेज, मतलब इसको यूज़ करने के बाद में ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं होता एंड आई फील लाइक माई स्किन इज फुली प्रोटेक्टेड बिकॉज इट्स अ कम्प्लीट पैकेज। इतना शानदार फॉर्मुलेशन है ना, कोई व्हाइट कास्ट नहीं देता एंड आप उसको मेकअप से पहले भी, प्राइमर से पहले लगा लो, इट गिव्स यू द ड्यूई बेस फॉर मेकअप आल्सो। एंड अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ऑयली है आफ्टर क्लेंजिंग योर फेस, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस और मॉइस्चराइजर स्किप कर सकते हो, काफी हाइड्रेटिंग भी है ये। आई कैन सी इसमें नियासिनामाइड और प्रो विटामिन B5 भी है जो कि स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है। आई कैन से अमंग ऑल दिस ये सनस्क्रीन मेरा फेवरेट है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू ट्राई इट आउट एंड यू गाइस विल थैंक मी लेटर। लुक एट दिस। वैसे अगर मैं सीरम्स की बात करूँ ना, इन जनरल आई लव यूजिंग सीरम्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो भी टारगेटेड एरियाज होते हैं ना, ब्लेमिशेस हैं, स्पॉट्स हैं या फिर पिगमेंटेशन है, उसके लिए आप उन इफेक्टिव होते हैं, थोड़े से कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो वो इफेक्टिवली वर्क करते हैं, बट दिस प्रोडक्ट डिड नथिंग टू माई स्किन। ये है नायका का SkinRx स्पॉट करेक्ट 10% नियासिनामाइड सीरम। नाउ सीरम्स का जो फॉर्मुलेशन होता है ना वो इतना खूबसूरत होता है, इतना ब्लेंडेबल होता है कि वो चला जाता है आपकी स्किन में, अब्जॉर्ब हो जाता है, बट विद दिस एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा है ना, इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेंड, लेकिन उसके आफ्टर फिनिश आप देख लो, मेरे मुँह पर अगर आप कागज चिपकाओगे ना वो भी चिपका सा ही रह जाएगा। आई एक्चुअली यूज इट फॉर गुड 10 days, मतलब किसी भी तरीके का कोई मुझे रिजल्ट नहीं दिखे। प्राइस है इनका ₹799, 2023 तक चलेगा, आई एम श्योर इतना अभी है इसमें, क्योंकि उसके बाद तो मैं क्यों ही यूज करूं जब ये काम ही नहीं करता। सो ये जाता है इधर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट विच यू कैन सी आई एम हैप्पी टू टॉक अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्वालॉजिका रेडियंस प्लस स्मूदी फेस वॉश विच इज इन द वेरियंट वाटरमेलन। इट इज सो लवली क्लियर जेल लाइक फेस वॉश आपको मिलता है, इट इज हिंट्स ऑफ पिंक और उसकी जो खुशबू है इट इज़ सो सूदिंग, इतनी कामिंग है, आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील होगा। उसके अलावा आई एम टेलिंग यू, इसको अगर आप ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन यूज़ करोगे ना, आपकी स्किन पे जो हाई पॉइंट्स होते हैं ना वो ऐसे चमकने लग जाएंगे ना कि हाइलाइटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई यूज इट वंस अ डे, क्योंकि नाइट में मेरा कॉम्बिनेशन मेकअप रिमूव करने के साथ साथ किसी और फेस वॉश का होता है। आई लव दिस और काफ़ी अफोर्डेबल भी है और काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स मिल जाएंगे आपको। लवली लवली प्रोडक्ट, इट गोज दिस साइड। खुशबू इतनी अच्छी लेकिन प्रोडक्ट इतना कचरा। मैं बात कर रही हूँ बॉडी शॉप, द बॉडी शॉप, द बॉडी शॉप बनाना ट्रूली नरिशिंग हेयर मास्क की। आपने देखा होगा अभी मेरे रीसेंट नायका हॉल में आई टॉक्ड अबाउट दिस, देन मैंने स्पेंड किए हैं इस पर ऑलमोस्ट 1500-1700 रुपये, 1700 तो MRP भी नहीं है, 1645 रुपये इज़ द MRP एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। पता है इसमें इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है जो एकदम दिल पे ना, मतलब ऐसे लग गया है मेरे को कि इसको अगर आप इसके कॉम्बिनेशन वाले शैम्पू के साथ में ही यूज़ करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं।
चलो ठीक है, लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट लाइन, बट दिस डिड नथिंग. लाइक आई विल टेल यू कि मेरा फेवरेट मास्क ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में कौन सा है. आई विल टॉक अबाउट इट मे बी द नेक्स्ट प्रोडक्ट, बट दिस डिड नॉट डू दैट गुड टू माई हेयर. मतलब ये उतना ही वर्क कर रहा है जितना एक कंडीशनर को करना चाहिए. इट इज़ डेफिनेटली नॉट ट्रूली नरिशिंग हेयर मास्क फॉर मी. नाउ ऐसा हो सकता है रिजल्ट्स में वेरी ऑन माय हेयर टाइप, बट मेरे बालों को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नरिशमेंट की. तो अगर इतने ज़्यादा ड्राई हैं तो मेरे बालों पे इनफैक्ट सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिखना चाहिए. बट यहाँ इनको काम कहाँ करना है, सिर्फ खुशबू अच्छी पैक करके दे देते हैं. लगाना अच्छा लगता है लेकिन आफ्टर रिजल्ट्स आई डिड नॉट लाइक यूजिंग इट ऑन माय हेयर. अब लिया है तो उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा, बट आई genuinely do not like using this. नहीं, move on करते हैं next product पे. Again मैं एक straight competition की बात कर रही हूँ hair mask में. So मैं बात कर रही हूँ Forest Essential के इस hair mask की, which has to be my favorite. You can say almost 2 साल से मैं इसको use कर रही हूँ. I'm on third tub and ये है intensive hair repair mask with japapati and brahmi. lifeless बालों में इतनी जान डाल देता है ना, इतने beautiful ingredients हैं इसकी, बस हवा लग जाती है मेरे बालों को, मेरे बाल ऐसे लहराते हैं मैं बता नहीं सकती. like I literally feel like this. लेकिन ये खुशबू वाले mask में भी दम नहीं है उतना. like I know that I'm talking too bad about this hair mask, but I really cannot help it. same price point है, this is so good for my hair type and this did nothing. So बुरा तो लगता ही है ना, इतना ही पैसा दिया था मैंने इस पर भी. So this goes in this list. So now let's talk about body care category में. So do you guys remember मैंने मेरे last to last birthday जो मेरा पैम्पर हॉल था उसमें मैंने शेयर किया था वैदिक लाइन का ये वाटरमेलन बॉडी स्क्रब. इट लुक सो गुड, इतना टेम्पटिंग लगता है कि खाने का मन करता है. इट इज़ सो प्योरली रेड इन कलर और उसमें हल्के हल्के से ग्रैन्यूल्स थे. एवरी थिंग वॉज सो गुड, ठीक है. बट पता है क्या हुआ, होता क्या है, 2-3 चीज़ें रहती हैं अपने यू नो वॉशरूम में. सो मैं एक्चुअली चेक कर रही थी कि मुझे क्या यूज़ करना है. एक दिन मेरी बस उस पर नज़र गई. मेरे पास अभी प्रोडक्ट है भी नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं क्योंकि इतना गंदी कंडीशन में हो गया था वो. हो सकता है कि कुछ ऐसे बॉडी प्रोडक्ट्स के साथ में जब वाटर मिल जाता है तो उनका फॉर्मुलेशन ख़राब हो जाता है, बट देन व्हाट्स द पॉइंट, क्योंकि हम उनको अपने गीली बॉडी पे यूज़ करने वाले हैं तो वेट हैंड्स ही होंगे तो वो पानी के कॉन्टैक्ट में तो आएगा ही. तो इतना फॉर्मुलेशन गंदा हो गया, इट वॉज ऑल ब्लैक ऑन इट, पूरा फंगस जमा हुआ था, मेरा दिमाग खराब हो गया. सो फॉर मी वो प्रोडक्ट जाता है इधर लिस्ट में. पूरा वेस्ट ऑफ मनी था, इतना खूबसूरत रेड कलर था उसका, बट सी क्या क्या होता है आजकल. क्योंकि हम है बॉडी केयर कैटेगरी में तो बुरे प्रोडक्ट की बात कर ली, अब थोड़े से अच्छे लेकिन नॉट सो महंगे प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं. मेरा रोम रोम खुश हो जाता है, लाइक रुआ रुआ महक जाता है. इसकी बात करते ही मैं बात कर रही हूँ प्लम बॉडी लविंग बॉडी ऑयल इन द वेरियंट हवाई नुमा नहीं है, वेनिला वाइब्स. हवाई नुमा भी बेहद पसंद है लेकिन ये वेनिला वाइब्स की चर्चे ही अलग है भाई. वंस आई अप्लाई दिस यू एक्चुअली स्मेल लाइक अ कुकी. ओ माई गॉड, कप केक की तरह स्मेल करते हो, वॉकिंग बेकरी लगते हो. एंड क्योंकि ऑयल है, आप सोचोगे कि ये चुप 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 चुप, अरे नहीं, इतना प्यारा फॉर्मुलेशन है ना इसका, मतलब मैं बता नहीं सकती. एंड इट इज़ नॉट सो टैकी ऑन योर स्किन, तो आपको उसके ऊपर टॉपअप कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. इसकी खुशबू लवली, माई गॉड, माहौल बना देती है वो, कहते हैं ना. एंड इट इज़ सो अफोर्डेबल, इतना अच्छा लगता है ना इसको यूज़ करना. आई कैन नॉट इवन टेल यू, सी हाउ हैप्पी आई एम. कमिंग बैक टू फेस केयर, आई हैव टू टॉक अबाउट दिस, दैट यू नो मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है प्लम से दैट आई लव योर प्रोडक्ट्स. ग्रीन टी रेंज हैज़ बिन सो गुड फॉर मी, बट इफ आई टॉक अबाउट दिस ना, सो दिस इज प्लम ग्रेप सीड एंड सी बकथ्रोन देयर नाइट क्रीम. नॉट अ फैन, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इसका फॉर्मुलेशन. इट इज़ सो थिक एंड इट डजंट ब्लेंड सो वेल. एंड उसके अलावा जो उसमें इंग्रीडियंट्स की गुडनेस है ना, इट डिड नॉट शो एनी काइंड ऑफ, जैसे ग्रीन टी होता है, सो इट्स वेरी कामिंग एंड सूदिंग ऑन योर स्किन. एंड आई रियली लाइक हाउ माई स्किन इज बिहेविंग और रिएक्टिंग टू दोज प्रोडक्ट्स, बट विद दिस माई स्किन एक्चुअली फेल्ट सुपर डल. एंड वो कहता ना एक ऑयली फिनिश आ जाती है मेरे फेस पे, विच आई रियली डू नॉट लाइक हैविंग इट ऑन माई फेस आफ्टर यूजिंग अ मॉइस्चराइजर और नाइट क्रीम ऑफ दैट सॉर्ट्स. आई नो इधर थोड़ा सा थिक होना है, बट देन हु लाइक दैट यू नो टैकी फिनिश, आई रियली डोंट लाइक. आई लव ऑयल फ्री फॉर्मुलेशन, मुझे वैसे वाले प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है. आई एम वेरी सॉर्टेड इन माई माइंड, समवेयर अराउंड 700 to 800 रुपीज. I do not like it for my skin type. In case आपकी skin type अलग है तो I am not sure कि how these products are going to react to your skin. But मेरे लिए no, it goes in this list. स्किन केयर कैटेगरी में एक बुरा प्रोडक्ट तो एक अच्छा भी हो जाए. मैं बात कर रही हूँ सी फॉर योर सेल्फ ब्राइटनिंग वाइटमिन सी सिरम फ्रॉम फॉक्सटेल. अब देखो मैंने बहुत सारे वाइटमिन सी सिरम ट्राई करे हुए हैं एंड आई कॉन्ट टेल यू हाउ इफेक्टिव इट इज़.
सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग ओके सो काफी क्वर्की है. लुक एट दिस ऑरेंज कलर, मतलब सो यूनिक, सो रेयर टू फाइंड. मिल्की सा टेक्सचर है इसका और इसके इसी टेक्सचर के कारण इसका फॉर्मुलेशन इतना ज्यादा सटल रहता है ना, बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता. और यही हम चाहते हैं वाइटामिन सी सीरम में, राइट. इसमें क्या 15% एल-एस्कॉर्बिक एसिड है जो कि मोस्ट पोटेंट फॉर्म ऑफ वाइटामिन सी है. तो उसको लगाते ही ना स्किन पे एक तो इमीडिएट ग्लो आ जाता है. उसके अलावा कोलाजन प्रोडक्शन हम जानते ही हैं, तो कोलाजन कितना इंपॉर्टेंट होता है स्किन की एजिंग को रिड्यूस करने के लिए, उसके क्रिएशन को इंक्रीज करता है. एंड विटामिन सी, वी नो हाउ गुड इट इज आपकी स्किन को यूथफुल, यंग और यू नो थोड़ा सा टाइट रखने के लिए. सो इसके कंटिन्यू यूज सेफ फाइन लाइंस, रिंकल्स, जो भी एजिंग साइंस होते हैं, पिगमेंटेशन, वो भी कम हो जाती है. इन माय केस व्हाट आई हैव सीन आफ्टर यूजिंग दिस, इट इज हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग यू नो साइंस ऑफ एजिंग, जिसकी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है. उसके अलावा व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस, मेरी स्किन पर एक इमीडिएटली ग्लो आ जाता है विच आई रियली एंजॉय और परफेक्ट बेस बन जाता है मेकअप के लिए, बिकॉज मैं तो मेरा फायदा देख रही हूँ, मुझे तो रेडी होना होता है एंड आई लव यूजिंग दिस. सो इट गोज इन दिस लिस्ट. डोंट गेट मी रॉन्ग, आई हैव बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ जिन्होंने दिव प्रेज्ड अबाउट यू नो फॉर्मुलेशन ऑफ डव शैम्पूज एंड आफ्टर रिजल्ट्स एंड आफ्टर इफेक्ट्स ऑन देयर हेयर, बट पर्सनली मुझे स्पेशली ये वाला वेरियंट इट डिड नॉट डू दैट वेल फॉर माई हेयर टाइप. क्योंकि एक तो मेरे बालों में ना डैमेज का बहुत ज़्यादा इशू है, इसने क्या कर दिया था मेरे बालों को एकदम फ्लैट, मतलब वॉल्यूम जो मुझे चाहिए ना मेरे बालों में जितना है उतना तो चाहिए, इसने एकदम फ्लैट कर दिया था मेरे बालों को. और उसके अलावा क्लेंजिंग में भी मुझे लगता नहीं है, एक तो इसमें बहुत ज़्यादा भर भर के सल्फेट वगैरह होता है ना, विच आई रियली डोंट लाइक यूजिंग नाउ डेज. तो मुझे इनका जो इंग्रीडियंट लिस्ट है ना वो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं. एक तो हमें जिस पे फोकस करना है विच इज़ डैमेज रिपेयर, आप डैमेज रिपेयर तो कर नहीं रहे हो, आप दूसरी चीज़ को लेके वॉल्यूम को लेके और फ्लैट कर रहे हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा. एटलीस्ट ऑडियंस लाइक मी जिनका हेयर टाइप मेरे जैसा है वो तो डेफिनेटली सेटिस्फाई नहीं होंगे विद द काइंड ऑफ result that this particular variant gives. So I really don't like using this, but I've seen I love their body washes and I love their body care range, unke you know exfoliators and all, but shampoo, this no, it goes here. I don't even have that product physically, to main aapko yahan dikha rahi hu because ab main leti nahi hu, main use hi nahi karti. Next the list we also have lip care product which is coming from none other than the legendary लनहेज. मतलब इन्होंने मास्टरी कर रखी है, जैसे मेबलिन के मस्काराज के अलावा कोई बेटर मस्कारा कोई फॉर्म कर ही नहीं सकता, प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, वैसे मुझे लगता है. अब इनके लिप बाम्स ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, थोड़े से महंगे ज़रूर हैं लेकिन इनके इफेक्ट भी उतने लॉन्ग लास्टिंग है, जो कि आपको थोड़े से सस्ते यू नो व्हाट आई मीन वहाँ से आपको कलर मिल जाता है, नरिशमेंट नहीं मिलता. ओ माय गॉड, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट. बट हाँ ठीक है, आई बी वेरी 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 ऑनेस्ट, एवर सिंस आई हैव यूज्ड दिस ना, मेरी रीसेंट डिस्कवरी है एंड इट हैज़ मेड इट टू दिस लिस्ट बिकॉज इट इज़ दैट गुड. इसमें हल्का सा आपको टेंट मिलता है, मैंने इसमें लिया है बेरी वेरियंट, इट इज़ अ लिप ग्लोई बाम. आई लव 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 यूजिंग दिस. यू ओनली नीड लिटिल बिट एंड इट गोज़ अ लॉन्ग वे, यू नो बिफोर अप्लाइंग लिक्विड लिपस्टिक, इट इज़ सो कम्फर्टेबल फॉर्मुलेशन, लिप मास्क की तरह वर्क करता है. आई लव यूजिंग दिस एंड ड्यूरिंग दिस कमिंग विंटर सीजन इट्स गोना बी बेस्ट फॉर माय लिप्स. थोड़ी सी इनकी भी बात कर लेते हैं, द वेरी फेमस द फेस शॉप. ठीक है, अब इनकी जो चिया सीड, ये खाने तक ही अच्छे हैं. चिया सीड जो आप मुंह पे लगाओगे ना, स्पेशली वाली रेंज, मेरे को पिंपल हो गए थे. मेरा ये ऑलमोस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस है, आई एम टेलिंग यू. 3 साल पहले भी जब मैंने इस रेंज को ट्राई किया था ना, तब भी मेरे साथ में यही हाल हुआ था. स्पेशली दिस चिया सीड वाला सिरम, जिसकी बॉटल शायद खाली होगी तो आई विल ट्राई एंड फिगर इट आउट, लेकिन मुझे अभी मिलती नहीं है बिकॉज इट्स बिन लॉन्ग सिंस आई स्टॉप्ड यूजिंग इट. इट डिड नॉट परफॉर्म दैट गुड ऑन माई स्किन, स्पेशली इतनी महंगी होने के बावजूद भी. आई नो देर आर सर्टन प्रोडक्ट, सर्टन इंग्रीडियंट दैट डू नॉट रिएक्ट टू योर स्किन उतना अच्छे से. आई एम श्योर चिया सीड इज वन ऑफ दैट. ऑल्दो खाने पीने में तो मैं बड़ा मस्त से खा लेती हूँ उसको, लेकिन मुंह पे लगाने की बात आती है एंड इस प्रोडक्ट की बात आती है. क्रीम कलर की ओपेक सी पैकेजिंग है, मिल्की वाइट सा फॉर्मुलेशन, यू कैन जस्ट पंप आउट सम प्रोडक्ट और थोड़ा सा लगा लो और जहां पिंपल चाहिए बस वहां लगा लो. मेरे केस में तो इट हैज डन दैट थिंग. आई विल नॉट रिकमेंड, नहीं बैठा मेरी स्किन का और इसका थोड़ा रिश्ता नहीं समझ नहीं आया. बैक इन द डे आई यूज टू ओनली ट्रस्ट फिजिकल एक्सफोलिएटर्स, लेकिन आजकल क्योंकि इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा प्यारे हैं, इतना ज़्यादा सटल फॉर्मुलेशन है दैट इट डज नॉट डू एनी काइंड ऑफ हार्म. क्योंकि फिजिकल एक्सफोलिएटर के साथ में आप अपनी स्किन को ना थोड़ा सा रगड़ देते हो एंड इट काइंड ऑफ लाइक इन ऑर्डर टू डू गुड टू योर स्किन यू आर एक्चुअली रूइनिंग योर स्किन. तो उस केस में आई हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग यू नो केमिकल एक्सफोलिएटर एंड मैं बात कर रही हूँ डर्माको के पीलिंग सोल्यूशन की. यहाँ पे है ये 15% AHA BHA, आप चाहें तो उसमें 10% वाला भी ले सकते हैं, यू विल फील मोर कम्फर्टेबल. ओनली वंस इन अ वीक इज मोर देन सफिशियंट. ऐसा नहीं होगी हर एक हफ्ते में यूज़ करना ही पड़ेगा टू बी एबल टू सी रिजल्ट्स, नहीं, बट ये डेड सेल्स को ऐसे रिमूव करता है ना,
एंड आई ऑल्सो लाइक यूजिंग दिस ऑन माई अंडरआर्म्स ऑल्सो. इवन ये यू नो स्किन सेंसिटिव होती है बट तब भी आई फील कॉन्फिडेंट एंड आई फील कंफर्टेबल यूजिंग इट देयर. सो आई रियली लाइक यूजिंग इट. इट इज ऑलमोस्ट रेड इन कलर और इसको थोड़ा सा आपको स्टोर करने के टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज इसका कलर चेंज जाता है. लेकिन कलर चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, वहम सा पड़ जाता है कि यूज करें या नहीं करें. सो इट इज गोइंग टू बी फाइन. इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट एंड मेरी स्किन पे मुझे काफ़ी अच्छा एक नॉट से ग्लो बट एक क्लैरिटी विच यू गेट आफ्टर यूजिंग सच प्रोडक्ट्स वो मुझे मिलती है. तो आई रियली आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट. लव दिस. इट गोज हियर. सो गाइज दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई एम श्योर आपको ये वाला वीडियो बड़ा फन लगा होगा, मजा लगा होगा, बिकॉज देर आर नॉट मेनी टाइम्स वेन आई टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स दैट आई हेट यूजिंग और डू नॉट लाइक यूजिंग. तो ऐसा सुनने को ऐसा देखने को बड़ा कम ही मिलता है और जो कम चीज़ें होती हैं, जो थोड़ी रेयर चीज़ें होती हैं, वो बड़ी ताबड़तोड़ और थोड़ी सी खतरनाक होती हैं. सो आई एम श्योर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वाला वीडियो इफ़ यू रियली फाइंड इट यूजफुल, बिकॉज ऑफ कोर्स वाई नॉट. अगर आप मेरे स्किन टाइप से रिलेट करते हो तो आई एम श्योर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा. एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड मेनी गुड जेम्स यू नो इन टर्म्स ऑफ स्किन केयर, हेयर केयर और इन कैटेगरीज में. ऑल द प्रोडक्ट्स सभी के लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो डू चेक इट आउट एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो, आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन नोइंग क्या सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं विच डिड गुड फॉर यू एंड विच डिड नॉट you know good to your skin. So aap bhi apna experience mention kariye aur ye bhi yaad rakhiye that I love you all so much.